जय हिंद साथियों, 8 बज चुका है जिसका आप सभी को पता है हर शाम 8 बजे मिन्ने नामी स्टूडियो चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटी दार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर जो हम आपको करवाएंगे एकदम शानदार सा पूरे 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पेपर जो कि आपका इंडियन आर्मी एग्जाम 2021 या 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का टेस्ट एकदम लाजवाब होने वाला है, टेस्ट को पूरा देना है और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि हरिद्वार सिचुएटेड ऑन विच रिवर, यानी कि हरिद्वार किस नदी पर स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हरिद्वार जो होता है वो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि आगरा कौन से नदी पर स्थित है, तो आगरा जो होता है वो आपका यमुना नदी पर होता है और लखनऊ जो होता है वो आपका गोमती पर होता है और कोलकाता जो होता है वो आपका हुगली नदी के किनार पर स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन पूछा कि विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स पोंगल फेस्टिवल, यानी कि कौन सा भारतीय राज्य पोंगल त्यौहार मनाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पोंगल त्यौहार जो होता है वो आपका तमिलनाडु राज्य मनाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि ओणम त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम त्यौहार जो होता है वो आपका केरल राज्य में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन भी शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, यानी कि किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वृद्ध गंगा के नाम से जो जाना जाता है वो आपका गोदावरी नदी को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नमक नदी के नाम से कौन से नदी को जाना जाता है, तो नमक नदी के नाम से जाना जाता है वो आपका लून नदी को जाना जाता है और कोयला नदी के नाम से जाना जाता है वो आपका राई नदी को और दक्षिण भारत की नदी जो कहा जाता है वो आपका कावेरी को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपको कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो आपका कोयंबटूर को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो भरेंगे पांच नंबर क्वेश्चन को। पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो भरेंगे छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ऑन एवरेज इन इंडिया, यानी कि भारत में किस स्थान पर औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए मासिन राम बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहन जो कहा जाता है वो आपका शुक्र को कहा जाता है और लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वो आपका मंगल को कहा जाता है और सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द गार्डन सिटी कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बगीचों का शहर जो कहा जाता है वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और झीलों का नगर जो कहा जाता है वो आपका उदयपुर को कहा जाता है और भारत का हॉलीवुड जो कहा जाता है वो आपका मुंबई को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नौ नंबर क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन भी है, जल्दी से बताना इसका स्टार मार्क लगाना मेरे दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि बाबूजी इज द निकनेम ऑफ विच पर्सन, यानी कि बाबूजी किस व्यक्ति का उपनाम है। आपको बताना है ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको एक बार होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बाबूजी जो होता है वो आपका जगजीवन राम का एक लोकप्रिय उपनाम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और राष्ट्रपिता जो होता है वो आपका महात्मा गांधी का होता है और गुरुदेव जो होता है वो आपका रविन्द्रनाथ
टैगोर का होता है और भारत का आइंस्टाइन जो कहा जाता है वो आपका नागा अर्जुन को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया गया था वो आपका 1935 को किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था आपका 1949 में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहां पर होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय होता है वो आपका मुंबई में होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया था कि वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास, यानी कि शक्तिकांत दास है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज द थार डेजर्ट लोकेटेड, यानी कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो थार मरुस्थल जो होता है वो आपका राजस्थान राज्य में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, आप 100 से भी ज्यादा बंदे हमारे साथ लाइव क्लास देख रहे हो, प्लीज जाकर के एक एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता मेरे दोस्त, जाके एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं यार, एक लाइक तो बनता है, जाके यार जल्दी से सोचो मत मेरे दोस्त, आप जाकर के जल्दी से वीडियो को लाइक करो, आप जितने लाइक हो उतने लाइक हो जाने चाहिए मेरे दोस्त, मेरे को आशा है आप जरूर ऐसा कर दोगे। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है, बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर भी बता दिया है। तो भारत में आयोजित इंडियन सुपर लीग का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पन्ना लाल घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पन्ना लाल घोष का संबंध जो होता है वो आपका बांसुरी से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है, तो बिस्मिल्ला खान का संबंध जो होता है आपका शहनाई से होता है, और जाकिर हुसैन का जो होता है आपका तबला से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ब्राजील, यानी कि ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, आपको बताना है। तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो होता है आपका बैडमिंटन होता है, और चाइना का जो होता है आपका टेबल टेनिस होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आप लोगों का पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ, बढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, विच विच डिवाइस इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द विजन मेजर, यानी कि किस यंत्र से वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापा जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए ओडोमीटर बताया है उनका एकदम राइट है। और थर्मामीटर से जो होता है वो शरीर का तापमान नापा जाता है, और स्पीडोमीटर की बात कर लेते हैं तो स्पीडोमीटर से जो नापा जाता है वो आपका गाड़ी का गति मापने का काम करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट टू मेजर नॉइज पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए डेसिबल, बी वाट, सी पास्कल है, या डी प्रकाश, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई जो होता है वो आपका डेसिबल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी, यानी कि हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, क्वेश्चन मैंने करवाया है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पेंसिलिन की खोज या आविष्कार जो किया गया है वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेचक के टीके का खोज किसने किया है, तो चेचक के टीके का खोज जो किया गया है वो आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है, और रेबीज के टीके का खोज जो किया गया है वो आपका लुई पाश्चर के द्वारा किया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो आपका लीवर यानी कि यकृत होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रवाह उत्पन्न करेगा, आपको बताना है, जनरेट इलेक्ट्रिकल, यानी कि इनमें से कौन है जो विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करेगा, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी डायनेमो बताया है उनका एकदम राइट। डायनेमो जो होता है आपको यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा को प्रवाह करता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का
का शुद्धतम रूप कौन होगा आपको बताना है। तो लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है वो आपका पिटवा लोहा होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जाकर के वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त। आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाकर के वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कम से कम दो बंदों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है आपको बताना है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन आर फाउंड इन ऑरेंज, यानी कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है आपको बताना है। तो संतरे और नींबू में जो होता है आपका विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए पेडोलॉजी, बी हॉर्टिकल्चर, सी पोमोलॉजी। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फलों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका पोमोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और हॉर्टिकल्चर में जो होता है वो आपका बागवानी का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में जो होता है आपका भूमि का अध्ययन किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि मछली किसके द्वारा सांस लेता है, यानी कि बाय हुम डज द फिश ब्रेथ। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मछली द्वारा जो सांस लेता है वो आपका गलफड़ों से लेता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और मनुष्य जो होता है वो अपना फेफड़ा के द्वारा सांस लेता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। इसी के साथ आप लोगों का शानदार सा 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको हमसे हर रोज पढ़ना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।